चलिए शुरू करते हैं बालक, है ना। और तो हम लोग बोर्ड मास के बारे में बात कर रहे थे, है ना। बोले भी थे कि क्वेश्चन करवाएंगे, बोले थे ना। बोर्ड मास के लिए और भी जरूरत हो सकता है बीच में कुछ कुछ चीजें। बोर्ड मास एक बहुत बड़ा टॉपिक, इसमें स्क्वायर क्यूब का जरूरत पड़ सकता है, फ्रैक्शन भिन्न का जरूरत पड़ सकता है, नहीं गुना का, भागा का। तो गुना भागा तो आपको आता होगा पहले से, लेकिन तभी भी छोटा छोटा चीज देख लेते हैं ना। पहले स्क्वायर वाला टर्म देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर वाले में जो हम लोग को पढ़ना है, एक तो ये पढ़ना है कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसका वर्ग कैसे निकालते। 2 डिजिट का कोई भी नंबर, ठीक है। एक कैटेगरी ये होता है कि 100 के आसपास वाला, 100 के आसपास, और इसी का एक्सटेंशन होता है स्क्वायर में। जैसे 100 के आसपास वाला है तो 200 के भी आसपास हो सकता है नंबर, नहीं हो सकता है। 300 के भी आसपास हो सकता है, मतलब कि 100 वाला टर्म जो भी आएगा, 200, 300, 500, उसके आसपास वाले नंबर का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है, एक बार सीखने की जरूरत। एक कैटेगरी आपका होता है 50 के आसपास, 50 के। टेक्निक बहुत सारा है, लेकिन उतना ही टेक्निक हम लोग को जनरल कंपटीशन में पढ़ना चाहिए जितना को दिमाग में हम लोग रख सके। ये नहीं पढ़ लिए सब कुछ दिमाग में कुछ नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहले कौन वाला सीखे, ये वाला कि पहला वाला, 2 डिजिट वाला? ठीक, तो पहले 2 डिजिट वाला सीख लेते हैं बाबू, और फिर इन दोनों को सीख लेंगे, है ना। तो आगे चले, तो जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं बाबू, 28 लेते हैं, और 28 का वर्ग निकालो। तो देखो सबसे पहला कंफ्यूजन कि लोगों को लगता होगा कि ट्रिक जो है मास्टर ने बनाया है अभी हाल में ही, जो भी पढ़ता है क्लास वगैरह करता है तो उसको लगता है कि अभी हाल में ही मेरे लिए स्पेशल सा ट्रिक बना रहे। ऐसा कोई बात नहीं, जो भी ट्रिक निकलेगा स्क्वायर में तो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab, सीक्वेंस ऑर्डर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। एग्जाम में भूल भी जाओगे तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि सर ने कुछ बताया था, है ना, उससे ही होने वाला। तो ट्रिक कैसे बनता है, वो ट्रिक कैसे बनता है ये जानना आपको जरूरी है। अगर इस टर्म को ए मान लिया जाए, किसको मान लिया जाए, इसको ए मान लिया जाए, और इसको क्या मान लिया जाए, बी मान लिया। थोड़ा देर, तो क्या है बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। यानी कि 8 को स्क्वायर करना है आपको, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 लिखेंगे, 64 का क्या लिखेंगे हाथ में कितना। अब देखो अब क्या है, 2ab, तो 8 दुनी 16, 16 दुनी, अब 32 में पहले से क्या है 6, तो 32 6 कितना 38, 38 का 8 ही लिखेंगे, मतलब एक एक डिजिट तक लिखना है। बच गया कितना बाबू, 3। अब क्या है, बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 और 3। अब मास्टर लोग क्या करता है कि हमने मतलब ऐसा आपको इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सेम चीज को बता रहे कि भाई अभी अभी हम ट्रिक ही बनाए। मास्टर क्या करेगा, बोलेगा ऐसे कि ऐसे 28 का स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे कितना, 64 का 4, हाथ में कितना 6, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दुनी का 16 दुनी, भाई 2ab तो हो ही रहा है ना, इसमें ट्रिक का क्या बात, ये वाला बता देंगे तो लाइफ टाइम लोगों को याद रहे। तो ये भी 2ab ही कर रहे हैं, 8 दुनी 16 दुनी 32 6 38 का हाथ में 2 दुनी 4 3, ठीक गया,
दुनिया में कोई भी नंबर का, टू डिजिट नंबर का है ना, तीन डिजिट में भी अप्लाई होगा, लेकिन अभी हम लोग टू डिजिट का बात करें। निकाल पाएंगे आप? इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, है ना। और अब देते हैं, चेक करते हैं, लेट्स चेक। तो ये ट्रिक है कि धोखा है ये? अरे टू ए भी ही ना है, आगे चले बाबू। अगर हो गया तो तुम लोग खुद निकाल के हमको दिखाओगे, क्योंकि ऑफलाइन है जी, तो ऑफलाइन में जब तक लड़का सीखेगा नहीं, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत है। चलो बताओ, 64 का स्क्वायर बताओ। हुआ बाबू? एक एक डिजिट तक लिखना है, एक एक डिजिट तक लिखना। चलो फिर से बताएं, चलो लेट्स चेक। 4 का स्क्वायर कितना? 16 का कितना लिखेंगे? लास्ट वाला लिखेंगे कितना? 6। बच गया कितना बाबू? 1। 6 × 4 कितना? 24 दूनी 2, ये भी नहीं हुआ, ये 48 एक 49 का हाथ में, 6 × 6 36 और 4। बोलो कोई कष्ट है? तो दिमाग में याद रखना, कोई ट्रिक व्रिक हमको सर याद नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। लास्ट से शुरू करना, कहां शुरू करना है? चेक करें, एक और दें। चलो 78 का बताओ। होमवर्क दिए थे ना कि एक से कम 30 तक का स्क्वायर याद करना, 10 तक याद किया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात। होमवर्क अगर नहीं करोगे तो फिर तो वही हो जाएगा ऑनलाइन वाला, कि मास्टर धीरे धीरे प्यार से पढ़ा रहा है, लग रहा उसको 4 बार देखे 5 बार देखे। बोलो जी, आठ का स्क्वायर कितना? बोलो 64 का हाथ में, अब देखो 87 56 × 2 112 6 118 का हाथ में कितना? 10 ना 11 49 11 और दे। चलो 69 का निकालो।
ट्रिक का मतलब क्या होता है जानते हो? अच्छा बना लो, पहले बना लो, बना पैंतालीस इकसठ है आपका जी। दस तक अभी स्क्वायर याद रहता तो हो जाता नहीं, तो दस वाला तो यूज हो रहा है इसमें। नौ का स्क्वायर कितना बोलो, कितना बचा? छह नमा चौवन इंटू दो 108, 108 आठ 116 का छ हाथ में, छ छका 36 ग्यारह, आया था इतना, सीख गए हो? अब ये वाला छोड़ दें, अब अगला कैटेगरी पढ़ें, कर लोगे ना? क्या याद रखोगे? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस। ट्रिक नहीं भी याद रहा कि सर इधर से इधर गुना करना, कोई दिक्कत वाली बात, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि सर जी ए स्क्वायर से शुरू करेंगे और इसका एक डिजिट लेंगे, कितना डिजिट लेंगे, जो बचेगा उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। फिर क्या हो जाएगा बाबू? टू ए बी, और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, यही है ना? इसी को नोट डाउन कर लो, थोड़ा स्टार मार के शुरुआत करना है लास्ट वाला से, है ना? या इधर बी रखोगे तो इधर, जैसे लास्ट वाला को अगर ए मान रहे हो, इसको क्या मान रहे हो? ए, इधर से शुरू करें, नहीं तो बी से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर उसको बी मानेंगे तो बी से शुरू करेंगे ना। तो ये शुरुआती के क्लास में जानना जरूरी होता है, जिससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास नंबर्स का कलेक्शन बढ़ेगा। चलें आगे, चलो तीन डिजिट वाला भी देखेंगे, लेकिन अभी इतना ही छोड़ देते हैं। इसको घर में पांच छह सात खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सौ के आसपास, सौ के आसपास। तो देखो ये ट्रिक सीखना या सिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको परमानेंट याद करवाना ये चैलेंज है, और इसी में मास्टर का इफिशियंसी या जो भी बोल सकते हो, या दिमाग या एक्सपीरियंस काम करता है। आसपास के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि आसपास का मतलब ये है कि या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, सौ से या तो ज्यादा हो सकता है या तो सौ से। तो इसके लिए दो बात याद रखेंगे, कितना ज्यादा, कितना। अगर कम है बाबू तो कितना, बोलो क्या बोले, कितना ज्यादा या कितना, मामला हो गया खत्म, मामला हो गया क्या खत्म। चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली चलते हैं बाबू, बिना लाग लपेट के। जैसे बाबू अगर आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है? 100, तो ये ज्यादा है कि कम है? 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो दो ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे? प्लस टू। दो ज्यादा मतलब क्या? प्लस टू। सौ से कितना ज्यादा तो कितना आप लिखेंगे? प्लस टू। यहां तक क्लियर? अब इधर बाबू लिखेंगे हम लोग दो स्थान बनाएंगे, कितना स्थान बनाएंगे? दो स्थान। ये जो ज्यादा वाला था, कितना ज्यादा वाला, इसका स्क्वायर करेंगे। दो का स्क्वायर कितना होता है? लेकिन दो स्थानों में अकोमोडेट करना है तो जीरो चार लिखाएगा कि नहीं? क्या लिखाएगा? जीरो चार। यहां तक क्लियर? खत्म हो गया, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको बस जोड़ दो। 104 ना बोलू तो 104 जीरो कितना हो गया बाबू? बस इसको फोटो कॉपी कर दे यहां। क्लियर है? अब बना लोगे? चलो आगे दें, क्लियर है? अब बताओ जी 103 का, जल्दी बताओ 103 का स्क्वायर बताएं जल्दी।
तीन का स्क्वायर 09 और 103 में 3 जोड़ दिए तो कितना, 104 का स्क्वायर जल्दी बोलो, 108 16 ना गोलू, 4 ज्यादा कितना ज्यादा, 4 का स्क्वायर दो स्थान तक है कोई दिक्कत नहीं, 104 में 4 जोड़ेंगे कितना, 105 का स्क्वायर, 5 का 105 में 5 जोड़ेंगे कितना, क्लियर है। 5 का एक स्पेशल नियम होता है जो थोड़ा देर में हम लोग बात करेंगे, है ना। 106 बताओ, हाँ 6 का 6 हो जाएगा, घर में कर लोगे ना और ये सब करवाएं। चलो 112 का बताओ, 144 का 44 ही लिखाएगा ना दो स्थानों तक, बचा कितना, 1। 112 में 12 जोड़ेंगे कितना, 124 एक बताओ, 113 लिखो फटाफट निकालो खटाखट, दो स्थानों तक, कितना स्थानों तक, पिछले वाला में रूल कितना था, एक स्थानों तक। एक 27 गुड सही है। तेरह ज्यादा कितना ज्यादा, 13 का स्क्वायर क्या पढ़े, 169 कितना बचा, 113 और 13 126 एक तो निकाल लोगे, जहां तक मन करे तुम वहां तक निकाल सकते हो, बस जैसे मान लिया 129 का बोल दी तो 29 का याद होना ना चाहिए जी, 30 तक का होमवर्क इसलिए दिए है ना, 841 तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ठीक। अब 100 से कम वाला में देखते हैं बाबू, 100 से कम 98 शुरू करते हैं, क्या था, कितना कम वाला है कि नहीं है बोलो, कितना कम है तो -2 लिखे, साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 होगा, माइनस जब दो बार गुना होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, 04 लिखेंगे दो स्थान तक, बोलो हाँ या ना, और 98 में से 2 हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 98 में से 2 घटा दिए तो 96 ही ना आएगा, तो 96 04 अब ही कर, देखो कितना कम कितना ज्यादा का हो रहा, इसलिए तो पहले लिख दिया कितना कम कितना ज्यादा, आधा नया विद्यार्थी जो है ना वो समझ जाता है कि लास्ट डिजिट वाला का स्क्वायर करें, वैसा नहीं, पहले ही हमने लिख दिया, हमको पता है कि क्या कंफ्यूजन होगा, लड़का क्या कंफ्यूजन वाला हमको पता है पहले से, तो शुरू में ही लिख दिया कितना काम कितना ज्यादा, उस पर फोकस करना ना कि यूनिट डिजिट पे फोकस करना। बोलो 97 का बताओ, पढ़ो ऐसा कि याद हो जाए, खटाखट करो खटाखट, कितना काम, 3 काम, 100 से कितना काम, 3 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर करोगे 0, 97 में से 3 जाएगा कितना बोलो, ठीक है आगे चले बताओ, 94 का स्क्वायर बताओ,
मतलब होमवर्क तुम लोग नहीं किया, 120-30 तक का स्क्वायर जो बोले थे बाबू, जितना बोल दिए उतना कर लोगे तो मंजिल पे पहुंच जाओ, अन्यथा घूमते रह जाओ। 88-36, गुड। टीवी पे देख के हीरो ज्यादा बनता है लोग, समझा? कितना कम है? 6 का स्क्वायर कितना? 94 - 6 = 14 - 6 = 8। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि तुम डायरेक्टली ना घटा पाओ तो तुमको दिमाग में रहे। ये बचा कितना बताओ? 91 का स्क्वायर। बताओ जी, घटाने में जोड़ घटाओ में दिक्कत है तुमको? जोड़ घटाओ में दिक्कत नहीं? तुम भी होम ट्यूशन पकड़ लो, 1000 रुपये मिलेगा भी, समझा ना? कितना काम है? 9 का स्क्वायर, 2 स्थान तो कहीं, और घटाएंगे तो 82, तो कितना हो जाएगा? 82। क्लियर है? आगे चले। एट्टी एट का स्क्वायर बताओ। घर में जाके प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारा नंबर अवेलेबल होगा, जहां से जिंदगी, मैथ्स की जिंदगी और रीजनिंग की जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। देखा जाए तो कितना? 1 यस और नो बोलो, गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, कितना कम है बाबू? 12। 12 का स्क्वायर कितना पढ़े? बचा कितना? 88 - 12 कितना होता है? ये प्लस 1 है, ये क्या है? प्लस 144 प्लस में आ, किसमें आ? प्लस में। तो 76 + 1 कितना? 2 ही स्थान लेना, कितना स्थान लेना? इसलिए शुरू में बारीकी से बताए थे आप, ठीक है? चले आगे, हो जाएगा, घर में कर लोगे। सैटरडे को टेस्ट देंगे, उसमें रैंडमली ये सब लिखा रहेगा। अब इसी को मेथड 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथड नहीं है, ऐसे ही समझो कि झूठ मूठ। M2 मतलब मेथड 2 है ना, क्लियरली दिखा जाए। अब जैसे बाबू हम लोग किए थे 104 का स्क्वायर किए थे, याद है? आया ना? 104 का मतलब ये भी तो निकाल सकते हैं गुरुजी, 104 × 104। अरे बचपन में ऐसे पढ़े हो कि नहीं? पढ़े थे ना, ये वाला गुना करने के लिए 104 × 104 पढ़े थे ना? यही तो पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? यही तो पढ़े थे। फिर से वही टेक्निक, कितना ज्यादा कितना कम। 104 कितना ज्यादा है बाबू? ये भी 104 कितना ज्यादा है? मतलब बगल में हम लोग क्या लिख रहे हैं? ज्यादा वाला। क्या लिख रहे हैं? ज्यादा वाला। अब दोनों जो ज्यादा वाला है, इस दोनों को गुना कर दिया जाए तो 4 × 4 कितना होगा? 4 × 4 कितना? लेकिन कंडीशन यह है कि दो, ये जो नंबर है ये भी 2 डिजिट तक होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? अगर 2 डिजिट से कम वाला आ रहा है तो हम लोग 0 लगा दें, आगे में क्या लगा दें? 2 डिजिट, तो क्लियरली आ ही गया। अब इसके बाद जो है बाबू,
या तो इधर से इसको ऐड कर दो या तो इधर से ऐड कर दो, बात बराबर है। 104 में 4 जोड़ेगा कितना? तो क्या ये मेथड टू सीख गया, हाँ या ना? ये देखो बोले हो कि सर इसका जरूरत क्यों पड़ा, 104 का तो स्क्वायर हम सीख ही गए हैं सर, बोलोगे तू तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा बाबू क्योंकि अगर हम दे दे मल्टीप्लाई में कि 104 इंटू 108 करें, आपको दे दिए क्या बाबू 104 इंटू 108 करें, तो 104 इंटू 108 करने में भी वही टेक्निक काम करेगा जो स्क्वायर वाला में। कितना ज्यादा है ये, कितना ज्यादा बोलो, क्या करते हैं लास्ट वाला ज्यादा को? गुना करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं? 8 चौका पीछा तिरछा क्या करते हैं, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। 104 में 8 जोड़ो या 108 में 4 जोड़ो कितना आएगा? तो हमारा गुना भी कंप्लीट हुआ, बोलो मजा आया? जल्दी लिखो। इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे लिखते लिखते, अभी तुम लोग को हैबिट डलवा रहे, हैबिट। इसको अपलोड भी कर देंगे एक बार देखने के लिए, एक बार घर में जाके रिफ्रेश करके देख लोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा कहां कहां हम क्या वर्ड बोले, ये इंपॉर्टेंट। ये मूवी में कोई किस में डायलॉग था जी, मेरा बचन ही शासन है, बाहुबली, बाहुबली में ही था ना, मेरा बचन ही शासन। तो मैथ में टीचर का एक एक वर्ड का मतलब होता है, खास करके वैसे टीचर जो एक्सपीरियंस हो, जो 8-10 साल से पढ़ा रहा है, तो हमको पता है कि लड़का जानते हो मैक्सिमम लड़का कंफ्यूज करता है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हम पहले ही लिख देते हैं बाबू कितना ज्यादा कितना कम, कि लड़का कंफ्यूज। मेन तो दिक्कत है कंफ्यूजन से, पढ़ने के लिए तो सब जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह तो मैथ चल रहा है, कंफ्यूजन ये दूर कर। 2-4-5 लाख तो भारत में लाइब्रेरी चल रहा है, नहीं चल रहा है वो, उसका लाइब्रेरी का नाम हटा देना चाहिए। अब हमको तो लगता है इस पे आंदोलन करना पड़ेगा। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जहां पुस्तक हो, जहां न्यूज़पेपर हो, ये सेल्फ स्टडी रूम है, इसका नाम दे दिया गया लाइब्रेरी, या क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम इसका नाम दे देना चाहिए क्या? लाइब्रेरी के नाम को झूठे बदनाम कर रहा है सब लोग, क्या गलत बोल रहे हैं? लाइब्रेरी का मतलब बचपन से क्या सीखे हो, स्कूल में जब लाइब्रेरी होता था या कॉलेज में मैगजीन रहता था, है ना, अलग तरह की बात होती लाइब्रेरी। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत व्यवस्था, उसका नाम को चेंज करना चाहिए, पैन इंडिया पे मतलब संशोधन की जरूरत पड़ता है ना जी बार बार। चलो एक गुना करके बताओ, 107 इंटू 109, चलो जी करो। दिल है सीमा नहीं, शुरू में नया नया विद्यार्थी को डर लगता है हमसे कैसे बन जाएगा, बट ये हम जानते ही नहीं थे। गुड, बताइए गोलू जी उधर। तो देखो डिटेल में जब बनाएंगे बाबू तो इसको क्या लिखेंगे गुरु जी, 107 है कितना ज्यादा है, 109 कितना ज्यादा है, इन दोनों गुना करना, 9 7 दो स्थानों तक है, या तो इधर से जोड़ो या तो इधर से। 107 में 9 जोड़ेंगे तो कितना, 116, 109 में 7 जोड़ेंगे तो कितना, जोड़ में भी दिक्कत है। ए प्रभु,
देखो अगर तुम्हारी इफिशियंसी तेज हो गई तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं है ना एक्चुअल। देखो ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा सतनामा ज्यादा वालों को हम लोग गुना कर रहे हैं, ये तो सीख रहे हैं। या तो इधर से जोड़ो या तो इधर से जोड़ो, तो क्या मेंटली जोड़ पाओगे? अब मेंटल कैलकुलेशन करो। अब क्या करोगे ये लिखने के बाद, पहले ये लिख लो, लिखने के बाद क्या करोगे? अब मेंटल चीजें से कितना ज्यादा गुना करेंगे दिमाग, तब जाके इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो क्या फायदा हो। टीवी फिर देख लेना, ऐसे मेरा भी अपलोड हो जाएगा तो ये भी देख लेना। तो दिमाग में सेट करने के लिए अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, कैसे सीख पाएगा लोग? ठीक है हो जाएगा तो बोलना। कॉपी देखने नहीं आ रहे क्योंकि माइक लगाए हुए, नहीं तो हम ऑफलाइन में पढ़ाते तो कॉपी भी जाके देखते, तो माइक लगाए हुए इसलिए नहीं देखते हैं। हो गया, चलो अब मेंटली करने की कोशिश करो, मेंटली करने की कोशिश करो, बनाओ मत, ऐसे ही सोचो, गलती हो या सही हो डजंट मैटर, मेंटली सोचो है कलम चला रहा, अरे दिमाग गलती है ना होगा, हो ही मार रहे हैं तो कितना, हाँ दिमाग बढ़ा। ए बोलो कितना ज्यादा, 4 और 7 सच्चा का, या तो 104 में 7 जोड़ दो या तो 107 में 4 जोड़ दो, कितना आएगा? धीरे धीरे चीजें शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, ये कैसे प्रैक्टिस आ रहा है? अब तुम बताएगा जी, ये नहीं बताएगा। 109 × 105 मेंटली बताना, गुना करके नहीं बताना, मेंटली। पांच नामा और सोचो 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 सोचो, रिकॉल करो रिकॉल। मैथमेटिक्स पढ़ने का यही प्रोसेस ही नहीं कि बोल दिए अब विद्यार्थी 5 बार उसको देख रहा है वीडियो को। वैसे तो सर थोड़ा सब जगह टीवी में तो अवसर आता था, राजेश खन्ना को देख के सब राजेश खन्ना बन जाता, देवानंद ही सब बन जाता। 109 में या तो 5 जोड़ेंगे या तो 105 में 100, तो सीखने का शुरुआत का प्रोसेस वो था जिसमें लाइन बताए फिर शॉर्ट की, और फिर अगर सीख गया है तो गाड़ी हाईवे पे चलाओगे जैसे बचपन में क्या करता है लोग गांव वाला था, गांव में क्या करता है कि साइकिल लेके 4-5 लड़का तुम्हारा पीछे कैरियर पकड़े रहेगा और ढकेल लेते रहेगा तुमको, फिर एक दिन सडनली ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि पीछे है ही नहीं कोई, चलते जा रहा, मतलब तुम थोड़ा सा सीख गया, फिर उसके बाद देखोगे अरे कोई नहीं हम तो अकेले चला ही लेते हैं, फिर चलाओगे कच्ची सड़क पे, फिर स्पीड में चलाओगे और फिर लास्ट जो पोजीशन होगा हैंडल, हैंडल छोड़ के चलाता है साइकिलों गांव में, तो हैंडल छोड़ के चलाना हुआ कि नहीं बोलो, तो क्या हैंडल छोड़ोगे एक और में? चलो 106 × 112 बताओ हैंडल छोड़ के बताना, बहुत बढ़िया हैंडल छूटा कि नहीं बोलो, हो गया। अब निगेटिव वाला देखे, इसको एक बार बता देते हैं तो लाइन बना के बताएं या डायरेक्टली हैंडल छोड़ के बताएं? चलो हैंडल छोड़ के बताते हैं, कितना कम है, कितना कम है, −8 × −3 8 −×−+ ही होगा ना जी, 8 कितना, तिरछा तिरछा जोड़ना होता था तो 92 में −3 जोड़ो या 97 में −8 जोड़ो, यानी कि फाइनली घटाना है, तो 92 −3 कितना, 89 कितना, बोलो ठीक है कि लाइन वाला बताएं, ये समझ में आ रहा है कि लाइन वाला, देख लो वेरीफाई कर लो नया बच्चा के साथ थोड़ा सा, 97 वही आएगा सेम आए जादू।
इसको जाके एक बार देख लेना वीडियो को, है ना, अभी यहीं अपलोड करवा देंगे या कर देंगे कुछ, एक बार जाके देख लेना। चलो दे जी, हैंडल छोड़ के बनाओगे? ऐसे कैसे हो रहा है महादेव, इसमें भी जादू हो गया का? चलो बताओ, 94 × 2 = 97। इसी ऐसे ही सोचने से मैथमेटिक्स में लोग इंप्रूव होते हैं, ना कि 5 बार देखने से। मेंटल कैलकुलेशन की जब आदत होती है प्रोसेस के द्वारा, तब इंप्रूवमेंट होता है। टीवी देखने से इंप्रूव नहीं होता। देखो ऐसे ही कर लो, अगर नहीं है तो देखो कितना कम है ये, और ये कितना कम बाबू, तो 6 * 3 कितना, +18 ही होगा ना, बोलो +18 ही होगा ना जी। 97 में से 6 घटाना ज्यादा आसान है कि नहीं, कि 94 में से 3 घटाना, दोनों आसान ही। कितना, 91। क्लियर है, बोलो कर लोगे, आगे बढ़े? ये सब अगर नहीं भी बढ़िया से लिखा रहा तो एक बार जाके रिवाइज कर लेना वीडियो देख, एकदम दिमाग में एकदम चिपक जाए। अब चलते हम लोग 200 वाले सीरीज में। जैसे अगर हम बोल दिए बाबू 204 का स्क्वायर बताएं, किसका स्क्वायर बताएं, तो क्या बताएं, कितना ज्यादा, ये ज्यादा वाला है ना, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, और 204 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, तो 208 16 आंसर होना चाहिए। ए बोलो, तो यहां थोड़ा सा चेंज है, 100 बेस के लिए 1 से गुना हो रहा था, ये क्या कौन सा बेस है, 200, तो ये वाला दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 208 का दुगुना कितना, 416, 208 × 2 कितना होता है, 400। बोलो कोई दिक्कत, 200 बेस के लिए 2 से गुना होगा, 300 बेस के लिए 3 से गुना होगा, 400 बेस के लिए, 500 बेस के लिए, एन 100 बेस के लिए एन से, बस लिखो फटाफट। चले आगे, बोलो जी, चलो बताओ 206 का बताओ, चार सौ चौबीस, उसको बनाने दो गोलू को, हुआ जी, यानी कि गुना भागा में बहुत दिक्कत नहीं होने का, तो तुमको पहाड़ा डेली पढ़ना पड़ेगा, और अपने मन से रैंडमली लेके 8 × 16, 2 × 4 ऐसे करना पड़ेगा तब जाके, और यही शुरुआत में जो मेहनत है उससे काम होगा। अगर अभी तुम थक गए, मानसिक थकावट हो गए, कह रहे हमसे गुना नहीं हो, तो फिर तो गए, फिर कोई नहीं बचाएगा भाई। टीवी वाला तो एकदम ध्यान नहीं देता कि कौन पढ़ रहा है, लड़का तो पढ़ा रहा, उसको तो लग रहा कि सब मेरे तरह ही तेज है, अगर हम ही समझ रहे तो वही समझ रहा, ऐसा बात, लड़का कैटेगरी को हम समझते हैं। तुमको इस दोष को 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा अगर थोड़ा सा प्रयास करते हो तो,
कि 4 × 8 = 8, 8 × 16 = 16, 16 × 32 ये सब करना होगा मेंटली, समझ रहे हो? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हारा छूट गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि तुम बहुत जीवन में पिछड़ गए, ऐसा नहीं सोच। देखो कैसे करेंगे, कितना ज्यादा बाबू, और इसको जाके दोबारा देखना, इसको दोबारा नहीं हो तो तीसरा बार भी देखना। 6 का स्क्वायर कितना, 206 में 6 जोड़ेंगे कितना, 200, कितना बेस है 200, 2 गुना होगा, 2 से गुना करना कोई बहुत बड़ा बात है? 212 रुपया दो आदमी को दोगे, 212, 212 कितना, 400, 400, ठीक है। इसी तरीके से 300 बेस में भी होगा, है ना? और देखो तुम ही लोग बताओ यहां तक सही है और आगे का चले, या और आगे चले रास्ता सफर तय करें, या इतना दिमाग में टेंशन दे रहा है इसके आगे, इसको रिवाइज करके आए, यही हम कंफर्म। हाँ, लेकिन एज ऑलवेज अगर आप जीवन में शुरुआत की है मैथ, तो आपको 3 चीजों को ध्यान देना होगा, जैसा हम बोलते हैं, वो भी एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें, पहाड़ा वगैरह उस प्रोसेस में रहना है, ईमानदारी से, ये इंपॉर्टेंट। क्या HW है, HW फिर से ये डेली बोलते हैं, जानते हो 3-4 महीने तक बोलते रहेंगे तुम्हारा, जब तक कि कोर परसेंटेज के बाहर नहीं जाएगा, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट के जब तक बाहर नहीं जाएगा, तो हम बोलते रहे। क्या था 1 से 30 तक का, बोलो टेबल पहाड़ा, 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 15 तक का, कम से कम होमवर्क का तो याद होना चाहिए कि ये होमवर्क है, इसके अंदर वाला चीज याद हो या ना, ये 3 चीज कर लोगे तो मैथ और रीजनिंग में फटाफट होगा, और फिर नौकरी मिलेगा खटाखट। यही गड़बड़ा गया पूरा पढ़ रहा, ये किसी काम को इतना दिन में करता है, भी इतना दिन, अरे ससुरा होगा कहां से, उसमें नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो इतना ही रहने दे, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। Why are you